जय हिंद, मैं सचिन कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अभी मैं महाराष्ट्र में हूं और ये मेरी जॉब लोकेशन है, महाराष्ट्र के अभी कर्जत में हूं। तो आज मैं एक्चुअल साइट पर हूं, तो मैंने सोचा कि आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, थोड़ा सा काम के बारे में इंट्रोड्यूस करूं कि किस तरह से सिविल कंस्ट्रक्शन में, एक्चुअली रेलवे का मैं ड्रेन का काम करवा रहा हूँ, तो साइट इंजीनियर का साइट पर क्या काम होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे काम करने वाले जो लेबर वर्कर्स हैं उनसे आपको मिलवाऊंगा कि वो किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैसे काम करने में मज़ा लगता है कि नहीं, वो सारे चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं ये ड्रेन का काम, वहाँ पर आपको एक हद दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा झुकते टाइप से बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज है। उस ब्रिज से लेकर के लगभग 250 मीटर का ड्रेन मैं बनवा चुका हूँ लगभग 10 दिनों में, और आगे का काम प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली मैं आपको पहले साइट इंजीनियर का जो क्या रोल होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या साइट पे आकर क्या करना होता है वो मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं 12 mm 60 mm डाया का बार आपको यहाँ पे पड़े मिल जाएंगे, 12 mm डाया का एक बार है। और ये देखिए राफ्ट है, इसके नीचे PCC है, और ये जो है से इसका रेनफोर्समेंट किया गया है, बार बेंडिंग बार स्टील को बांधा गया है इस तरह से। और ये ड्रेन का सेकंड लिफ्ट ढलाई चल रहा है, फर्स्ट लिफ्ट हो चुका है, टोटल हाइट इसका 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर के बीच में है। और इस तरह से वी फॉल के लिए पाइप लगाया जाता है, और ये सब इसको बाइंड किया गया इस तरह से। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है जो लॉन्गिट्यूडनल रूप में से है, और वो मेरा कंपनी का लेबर है दो, उसको साथ में लेकर काम करवाना होता है। तो बेसिकली ये सब सारे चीज़ें साइट पे आपको एग्जीक्यूट करवाना होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, कि सही से बंधा है कि नहीं, थिकनेस क्या है, और क्यूरिंग हुआ कि नहीं, सारे चीज़ें मतलब साइट पे आकर के एग्जीक्यूट करना होता है। यही सिविल इंजीनियर का जो एज ए साइट इंजीनियर जो ज्वाइन करते हैं पहले बार जो साइट पे काम होता है वो इस तरह के होता है, या फिर वो गवर्नमेंट से हो या फिर वो प्राइवेट कंपनी से हो, किसी भी कंपनी से आए तो उनको इसी तरह से चेक करना होता है। रेलवे का प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, तो रेलवे वाले क्लाइंट्स हमेशा आते रहते हैं, RRB JEN जो होते हैं, AEN JEN, वो भी आकर के इस तरह से हमारे से डिटेल लेते हैं कि क्या इस तरह से अकॉर्डिंग टू ड्राइंग प्रोजेक्ट का काम प्रोसीड हो रहा है कि नहीं, तो इसी तरह से चेक करते हैं वो। अगर कहीं गड़बड़ होता है तो बिलिंग में प्रॉब्लम करते हैं, बिल को बनने नहीं देते हैं। तो इस तरह से एक साइट इंजीनियर का रोल होता है साइट पे। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, साइट इंजीनियर का बहुत सारा काम होता है, इसके एग्जीक्यूट करवाना ही है दिन में, और इसके बाद में शाम जब होगा तो सारे काम जितने भी हुए उसका एक रिकॉर्ड बना करके DPR बना करके ग्रुप में। जाता है तो देख सकते हैं आपको, अगर एज ए ये मेजरमेंट बुक है, इसी में सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। ये बाइक आपको किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको साइट पे ड्यूटी मिलेगा, तो आपको बाइक मिलेगी एग्जीक्यूट करने के लिए।
तो ये था मेरा ओवरव्यू मेरे काम के, साइट इंजीनियर के रोल के बारे में। अब मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ पे एक्चुअल जो काम करते हैं फील्ड पे, वो वर्कर से आपको मिलाते हैं। देख सकते हैं ये भाई साहब हैं जो स्टील को बांध रहे हैं। चलिए सबसे एक एक करके जानते हैं, पहले लेते हैं। आप अपना नाम बताइए भाई साहब, क्या है आपका नाम? अजय। अजय, आप कहाँ से हैं? अपने नाम के साथ सबको बताना है, अपना जगह लोकेशन का बताना है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग जगहों से लोग आ करके काम करते हैं और भारत को विकास करने में, भारत का डेवलपमेंट में इन लोगों का बहुत सारा योगदान है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से देखा जाए तो इन्हीं का योगदान रहता है। और ये भाई साहब, आपका क्या नाम है? ये भाई साहब अमित भाई हैं। और ये भाई अपना नाम बताएं। और अभी देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को बांध रहे हैं। और ये भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? नंद किशोर जी हैं। आप कहाँ से हैं नंद किशोर जी? यूपी प्रयागराज जिला जिससे हैं। और ये अजय, अजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह। आप कहाँ से हैं अजय प्रताप सिंह? यूपी से, आगरा, आगरा यूपी से हैं। और ये यहाँ के मतलब पूरा देखते हैं सारे चीज़ें। और ऐसे तो सभी लोग का काम बराबर ही है, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं मैं देखता हूँ, तो सब लोग अच्छे से इस काम को करके लेते हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं बताइए? बाइंडर बांध रहे हैं। हाँ, स्टील का बाइंडर बांध रहे हैं। तो बाइंडर कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बार बांध रहे हैं। और ये मतलब ड्रेन का वाल है, उसी के लिए बार स्टील बन रही है। इसके बाद इसका कास्टिंग होगा, इसके बाद आगे काम प्रोसीड होगा। उधर जो खाली स्पेस दिख रहा होगा उसमें पीसीसी होगा पहले, इसके बाद राफ्ट डलेगा, इसके बाद वाल बनेगा। तो इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक भैया है, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर इधर देख लीजिए, संजय कुमार हैं। वो कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। चलिए, ये संजय भैया हैं। और ये भाई साहब हैं, आपको कहाँ, आप कहाँ से, अपना बताइए बारे में। जिला एटा, दिनेश कुमार। इटावा, एटा, इटा, एटा। हाँ, यूपी से है ना? हाँ, यूपी। अरे वाह, यूपी से सभी लोग, इसमें सभी लोग यूपी से ही है ना? सभी लोग यूपी से हैं और सब लोग काम में जी तोड़ लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करके इंडिया को डेवलपमेंट करने में इनका योगदान है। और आगे मिलाते हैं आपको, एक भाई साहब फोन से बिजी हैं थोड़ा। आप बता दीजिए कहाँ कहाँ बिजी हैं फोन पे। अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? चंद्रशेखर नाम है। हाँ, चंद्रशेखर भाई साहब हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, ये सुनील भैया हैं, यूपी से हैं। तो ये सब सारे इनका टीम है। कितने लोगों का टीम है आपका? 10 लोगों का टीम है। और 10 लोगों ने मिलके लगभग 250 मीटर का ड्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। आप अब सब लोग बताइए मिलके कि आपको काम करने में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है ना? वाह। जब जब हम यहाँ पे आते हैं तो सभी लोग एक बूफर रखे हैं वहाँ पे, ब्लूटूथ जो बजा करके। हाँ, वो भी चीज़ दिखाएंगे, इनका रहने का जगह भी दिखाते हैं। थोड़ा इन लोगों का सुविधा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, कंपनी के द्वारा थोड़ा कम दिया जाता है। इसके लिए मैं ये तो कहना चाहूँगा कि थोड़ा इन लोगों को अकोमोडेशन अच्छा प्रोवाइड करें। जय, देख सकते हैं कितना, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, जोश देख सकते हैं कि कहीं भी रहे, काम कोई भी काम करते हैं जोश के साथ पूरा करते हैं। और पूरा मतलब देख सकते हैं 250 मीटर का एक ड्रेन बनाना 10 दिनों में कम बात नहीं होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको, मेहनत को हम सल्यूट करते हैं हमेशा, इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इनके कामों से। और सबसे अंत में आपको मिलाते हैं हमारे जो सीनियर सर आ रहे हैं, वो राहुल पाल सर है, जो हम इन्हीं के असिस्टेंट के रूप में आए थे पहली बार। और इन्होंने हमको यहाँ का ड्रेन का सारा काम कैसे संभाला जाता है बताया इन्होंने। चलिए आपको मिलाते हैं इनके बारे में, आप इनका एक छोटा सा इंटरव्यू कवर करते हैं, कहाँ से हैं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम करवा रहे हैं अभी। चलिए पहले आपको नमस्कार सर, नमस्कार, बताएं। आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए।
मैं यूपी सुल्तानपुर का सुल्तानपुर से हूँ। हाँ, यूपी सुल्तान कंट्रक्शन लाइन में 3 साल काम करते हुए। 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। कौन कौन से फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है? स्ट्रक्चर में मेजर माइनर माइनर मेजर ब्रिज के स्ट्रक्चर में काम कर चुके हैं 3 साल, और अभी यहाँ पे रेलवे का जो ड्रेन बन रहा है उसमें अभी हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे सारे चीज़ों को देखते हैं, इन्हीं के अंडर में हम आकर के काम सीखे यहाँ का ड्रेन का काम करने के लिए। और अभी भी यहाँ के बाद जो कटिंग करवाना है आगे काम हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे जीवन। ठीक है, तो ये हमारे सर थे, और ये देख सकते हैं सबसे लास्ट में इन दो गधों से मिलाते हैं। गधा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इन लोग आराम करते हैं, कंपनी का लेबर है दोनों। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? यशवंत ठाकुर है। आपका क्या नाम है? महेश ठाकुर। महेश, दोनों भाई हो, एक ही गांव से हो ना? हाँ, दोनों एक ही गांव से हैं। और सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो धूप से बचने के लिए थोड़ा छाया में बैठे हैं, थोड़ा काम का गैप मिलता है। तो इस तरह से सिविल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा काम, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।